Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम बात करते हैं दिन भर की नए नए डिफेंस अपडेट्स की। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की पहली न्यूज तेजस को लेके है। तेजस को अब बहुत ही जल्द इन फ्लाइट रिफिलिंग करने की क्लियरेंस मिलने वाली है। जनवरी 2017 से तेजस में इन फ्लाइट रिफिलिंग सिस्टम को ऐड करने की कोशिश चल रही थी और तेजस की LPS 8 में इसे लगाया गया था और आज तक इसकी 45 टेस्ट फ्लाइट्स किए जा चुके हैं और अभी तक कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशन अराइज नहीं हुई है। LPS 8 का ड्राई कॉन्टैक्ट टेस्ट 2018 से शुरू होने वाला है, जिसमें तेजस इंडियन एयरफोर्स की टैंकर 78 MKI से अपना रिफिलिंग पॉड कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन पहले स्टेज में फ्यूल ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। एक बार ड्राई कॉन्टैक्ट टेस्ट सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद सेकेंड स्टेज में एक्चुअल फ्यूल ट्रांसफर किया जाएगा। तेजस में एरियल रिफिलिंग कैपेबिलिटी को ऐड करने के बाद इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग दुगनी होने वाली है और 2018 तक इसे क्लियरेंस मिलने की संभावना है। तेजस को Su-30 MKI से भी रिफिल किया जा सकता है। इसे बडी टू बडी रिफिलिंग सिस्टम कहते हैं। अगला न्यूज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 फ्लीट की अपग्रेडेशन प्रोसेस में एक रुकावट आ गई है, क्योंकि अभी इसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स डीएसएल्ट और थेल की ऑफर की गई वारंटी पीरियड पूरी हो चुकी है और अभी ये दोनों कंपनीज इसके मेंटेनेंस के लिए $15 मिलियन की मांग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स इसकी पेमेंट करे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी 47 मिराज 2000 को अपग्रेड करने के लिए कमिटेड है। अभी तक सिर्फ 7 अपग्रेडेड मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए गए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 2011 में $2.1 बिलियन में थेल और डीएसएल्ट के साथ हुआ था, जिसके अंदर मिराज 2000H को मिराज 2005 के स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाने वाला था। इसके साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ $900 मिलियन में एक अलग सा डील साइन हुआ था, जिसके अंदर इंडिया में ही 47 मिराज 2000 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपग्रेड करने वाला था। इसमें थेल्स और डीएसएल्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद करने वाले थे। इसमें काफी सारे मॉडर्नाइजेशन होने वाले थे, जिसके बाद मिराज 2000 की टेक्निकल लाइफ 40 साल तक होने वाली थी। दोस्तों, इंडिया को अब एक ऐसा ड्रोन मिलने वाला है जो कि 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा और एक बार में 3 हफ्ते तक लगातार ये उड़ान भर सकता है। अभी तक इसका नाम रखा नहीं गया है। सोर्सेस का कहना है कि अगर इसे अरुणाचल प्रदेश के तावांग के ऊपर से उड़ाया जाए तो ये तिब्बत में 200 किलोमीटर तक चाइनीज एक्टिविटी पर 2400 घंटे नजर रख सकता है। आगे चल के ऐसे ड्रोन सर्वेलेंस सैटेलाइट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इसे इंडिया की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। ये ड्रोन एक हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की कैटेगरी में आता है और इसका पहला टेस्ट 2019 में होने वाला है। 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम ग्रुप में इंडिया को जगह मिलने के बाद अभी वासेनार अरेंजमेंट ग्रुप में ट्यूसडे को इंडिया को 42nd मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। ये बेसिकली एक ग्लोबल ग्रुप है जो कन्वेंशनल वेपन और डुअल यूज टेक्नोलॉजीज की ट्रांसफर को रेगुलेट करता है और उम्मीद है कि अभी अगले महीने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में इंडिया को शामिल किया जा सकता है, अगर चाइना वहां पर इंडिया को अपोज ना करे तो। रिसेंटली ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ वाइस एडमिरल करमवीर सिंह ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि किसी भी जंग जैसे हालात में सबमरीन सबसे अहम हिस्सा निभाती है। उन्होंने कहा कि सबमरीन को एक्चुअल स्टैंड ऑफ एरिया से काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता है और इसको डिटेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। शायद इसी वजह से इंडिया को अभी 3 मेन सबमरीन प्रोग्राम सैंक्शन किए गए हैं। पहला है प्रोजेक्ट 75i, दूसरा है प्रोजेक्ट 75 और तीसरा है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन्स को एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। अरिहंत से अभी न्यूक्लियर टिप बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया जा रहा है और INS अरिधमन भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। ये सबमरीन्स महीनों तक पानी के अंदर रह सकते हैं और ये 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक गोता लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट 75 के अंदर कलवरी क्लास के 6 सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं जो कि 18 टॉर्पीडोज को कैरी कर सकते हैं और ये एक साथ 1020 किलोमीटर तक पानी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर तक गोता लगा सकते हैं। और प्रोजेक्ट 75i बेसिकली प्रोजेक्ट 75 का एक एडवांस वर्सन है, जिसमें बनाए जाने वाले सबमरीन में AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को लगाया जाएगा।
ताकि ये ज्यादा देर तक पानी के अंदर बिना सरफेस किए सर्वाइव कर सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।